बाजरा सलहार हाँ, 16 प्रकार के दाने डाल था लेकिन के बीमार में 16 प्रकार के दाने उहे भात सारी चीज सब्जी उब्जी सब डाल दिए। यह है देश की मिलेट ब्रांड एम्बेसडर लहरी बाई, जो मोटे अनाजों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक या दो नहीं बल्कि 16 तरह के देसी बीज एक साथ बोती हैं। कांग, ज्वार, मंडिया, सलार, उस अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं, ऐसे गुणपाटी मंडिया, चावड़ मंडिया, मड़ामुत मंडिया, लाल मंडिया होते हैं। ये सब बहुत हुआ। मध्य प्रदेश के बैगा आदिवासी समुदाय की लहरी पिछले 10 सालों से अपने घर के एक कमरे में बीज बैंक बना रही हैं। उनके इस बैंक में विलुप्त हो चुके मोटे अनाजों की पूरी 150 किस्में मौजूद हैं। 27 साल की लहरी ने अपनी दादी से मिलेट यानी मोटे अनाज के फायदों के बारे में जाना और समझा। 18 साल की उम्र में उन्होंने आस पास के गाँव में घूम घूम कर बीजों को इकट्ठा करना शुरू किया था। जहाँ तहाँ से नाम के आई हम फैलाए करें इतनी इतनी बीजा तुम इतनी लानन चार की बीजा पांच की बीजा ऐसे लाए की और जोड़ी हम भोपाल गए रहे तब कई रकम के बीज लाने में हुए कहाँ से भोपाल से हाँ भोपाल से आस पास पूरे गांव में घूम घूम के ऐसे लाए मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब आस पास के सगला गाँव से थोड़ा इतनी मेहनत से जुटाए बीजों को लहरी किसानों में बांट देती हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। जब उनसे पूछा गया कि वह ऐसा क्यों करती हैं, तो जवाब मिला भाई पुराना वो जैसे दाना है वो दाना लुप्त होने जा रहा था। वो दाना रहे ताकतवाले। जब संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया तब लहरी बाई की कोशिशों को देखते हुए उन्हें भारत का मिलेट ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। एक और जहां लोग खेती छोड़ शहरों की ओर जा रहे हैं, ऐसे में लहरी जैसे युवाओं की ये कोशिशें उम्मीद की नई किरण की तरह है।